डीसीपी जोन 3 के टीम ने गुप्त जानकारी के आधार पर पाशपौली परिसर में चल रहे अवैध रूप से हुक्का पार्लर पर छापामार कार्रवाई कर मामला दर्ज किया है। पार्लर मालिक का नाम आरोपी अख्तर अहमद अली अंसारी टेकाना का नई बस्ती सिद्धार्थ नगर निवासी बताया जा रहा है। CIU जोन 3 टीम के प्रभारी जितेश अरवली को एक गुप्त मुखबिर के माध्यम से जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर उन्होंने हुक्का की सूचना पर थाना पाशपौली सीमा के गुलशन पान पैलेस और कैफे के सीक्रेट रूम में अवैध रूप से किया जा रहे धूम्रपान के जगह पर छापामार कार्रवाई की। आपको बता दें कि इस छापामार कार्रवाई की भनक लगते ही वहां से कई लोग भाग निकले। हालांकि पार्लर मालिक का नाम अहमद अली अंसारी, उम्र 32 वर्ष, प्लॉट नंबर 424, टीका नई बस्ती बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस को टेबल पर एक जलता हुआ बर्तन, दो हुक्का बर्तन और दो पाइप, दो स्टैंप और 19 विभिन्न प्रकार के 68 तांबे के हुक्के मेज के नीचे जायके में पाए गए। CIU यूनिट चे जोन 3 चे PSI जितेश अरवली आणि त्यांची टीम यांना गुप्त माहिती मिळाली होती की गुलशन पान पॅलेस प्लॉट नंबर 427 सिद्धार्थ नगर इथं अवैधरित्या हुक्का पार्लर चालतो, त्यावरून त्यांनी आणि आमचे पोलीस स्टेशनचे सपोनी थारकर साहेब आणि पोलीस स्टेशनची टीम असे त्या ठिकाणी हुक्का पार्लरवर रेड कारवाई करण्यात आली। त्यामध्ये हुक्का पार्लर चालवणारा शाहिद अख्तर अहमद अली अन्सारी रानर सिद्धार्थ नगर याला अटक करण्यात आली आणि एकूण त्यामध्ये हुक्का पार्लरचे दोन काम झालं पॉट आणि सुगंधित तंबाखूचे फ्लेवर असा 15,150 रुपयाच्या मुद्देमाल मिळून आला। त्यांच्यावर आम्ही कोटपा कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करून आरोपीस अटक करण्यात आलेली आहे। गौरतलब रहे कि आरोपी पिछले 2 महीने से गुपचुप तरीके से हुक्का पार्लर चला रही हैं। हुक्का पार्लर से कुल 15,150 हुक्का जायके के डब्बे पाए जाने पर मुख्य आरोपी को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल पाशपौली पुलिस ने इस मामले में विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।